राज्यसभा ने एचआईवी एड्स विधेयक 2014 पारित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाया। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आतंकी हमला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का 86वां शहीदी दिवस मनाया गया। रघु राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने विकल्प योजना की घोषणा की। राज्यसभा में एचआईवी एड्स विधेयक 2014 पारित किया गया। विधेयक में एचआईवी पीड़ितों को दूसरे नागरिकों के समान सभी अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया गया। 18 वर्ष से कम आयु वाले एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को साझा घर में रहने और अपनी सुविधाओं का आनंद लेने का अधिकार दिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एचआईवी एड्स से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को पूरा इलाज मिले। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने एक कीर्ति चक्र और 12 शौर्य चक्रों से भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्वारा 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, 3 उत्कृष्ट सैनिक पदक, 22 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। पैराशूट रेजिमेंट के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया गया। ये आदेश लोक भवन एवं सचिवालय में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया गया। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आतंकी हमला। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। हमले के समय पार्लियामेंट में सत्र चल रहा था और इसमें 200 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों की सहायता हेतु 2 सहायता नंबर जारी किए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 86वां शहीदी दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर संदेश जारी करते हुए कहा कि देश इनका सदैव आभारी रहेगा तथा इनकी शहादत को सदैव याद रखेगा। ब्रिटिश शासकों ने लाहौर की जेल में इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। शहीदी दिवस के अवसर पर देश भर में कई संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रघु राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। वरिष्ठ फोटो पत्रकार रघु राय को 6ठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भोपाल त्रासदी के बाद ग्रीन पीस एनजीओ के लिए डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की थी। उनके द्वारा लिए गए प्रसिद्ध चित्रों में एमएस सुब्बालक्ष्मी, बिस्मिल्ला खान, मदर टेरेसा, सत्यजीत रे जैसे व्यक्तित्व शामिल हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने विकल्प योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत मेल तथा एक्सप्रेस रेल के टिकट पर यात्रियों को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। इस योजना का शुभारंभ विकल्प नाम के तहत किया गया।